मां काली पर विवादित बयान को देकर टारगेट पर आ गई है महुआ मित्रा। लेटेस्ट अपडेट, टीएमसी सांसद महुआ मित्रा के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल में कई जगह हुआ महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज। एक टिट फॉर टैट वाली जो बात है, नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरह से टीएमसी आक्रामक हुई थी, अब बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है महुआ मोइत्रा के खिलाफ। और महुआ मोइत्रा के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कोलकाता में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। हम लोगों का एक ही ये है, डिमांड है, उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो बंगाली, नॉट ओनली बंगाली, हिंदू, ऑल ओवर इन वर्ल्ड के जितने सारे लोग माँ काली को देवता मानते हैं, उसके सबके सब सेंटिमेंट को उन्होंने हर्ट किया है। इसलिए हम चाहते हैं उसके अरेस्ट किया जाए अभी इसी वक्त, क्योंकि हम चाहते हैं यही चलते नहीं सकते जो हम लोग देवता के लेकर यही हंसी मजाक क्यों उड़ाए। और इसी खबर का एक अहम पहलू ये कि महुआ मोइत्रा के बयान पर TV9 भारतवर्ष से बोले हैं शुभेंदु अधिकारी, महुआ मोइत्रा को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा के खिलाफ पूरे प्रदेश में मैं रैली करूंगा, माँ काली की मूर्ति लेकर पूरे प्रदेश में घूमूंगा, कहा महुआ मोइत्रा ने। महुआ ने पहले भी देवी का अपमान किया है और बंगाल में तुष्टीकरण की नीति चल रही है, कहा शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ है, ऑपोजिशन लीडर बंगाल के, उनके एक ही सवाल है शुभेंदु दा, ये सवाल करेंगे। महुआ मोइत्रा ने कहा है जय माँ काली, और आपका FIR होने के बाद ही उनका ट्वीट आया, क्या कहेंगे आप? डर में हो रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये बार बार करते हैं। जो जिसका चुटिया है ना, उसको राक्षस बताया कुछ दिन पहले, एक साल पहले, उसकी खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानूनी तरीके से एक्शन होना चाहिए। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, महुआ मोइत्रा जब कहती है माँ काली के बारे में तब कोई एक्शन नहीं होता, और जब नुपुर शर्मा कहते हैं तब एक्शन हो जाता है। लुकआउट नोटिस इशू होता है बंगाल पुलिस, यह तुष्टिकरण का, यहाँ तो परिवारवाद और तुष्टिकरण चलता है ना, तुष्टिकरण के लिए हुआ है। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे शुभेंदु अधिकारी, साफ साफ ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रहा है, और इस बार महुआ मोइत्रा के खिलाफ करीब 100 से ज्यादा FIR दर्ज हुए हैं, और जिसके चलते उन्होंने अभी ट्वीट करके ये कहा है जय माँ काली, वो किसी से नहीं डरती है। ये बात कहाँ तक जाने वाली है तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए शुभेंदु अधिकारी का रवैया साफ साफ ये कह देता है कि वो छोड़ने वाली नहीं है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फिल्म काली के पोस्टर को लेकर आखिरकार सवाल क्या हुआ है और महुआ ने क्या कहा था, जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विवादित बयान देखिए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, मेरे लिए माँ काली का मतलब है वह जो मांस और शराब स्वीकार करती है। ये बयान आया और उसके बाद में पूरी तरह से टर्मोइल खड़ा हो गया है। अगला पार्ट देखिए, आप अपने भगवान को कैसा देखना चाहते हैं और किस रूप में देखना चाहते हैं, यह अधिकार सबको है। अपना वर्जन उन्होंने बताने की कोशिश की। कई जगहों पर भगवान को विस्की पिलाई जाती है, और इस तरह के बयान के बाद में, महुआ मोइत्रा के बयान के बाद में जो माँ काली की लड़ाई है वो कलकत्ता में अब बीजेपी वर्सेस TMC हो गई है। और इसीलिए अब सीधे ग्राउंड अपडेट के लिए चलते हैं। हमारे साथ में मेरे सहयोगी रविशंकर दत्ता जुड़ गए हैं। रवि, बीजेपी जिस तरह से आक्रामक रुख अपना रही है महुआ मोइत्रा के इस बयान को लेकर, ये टिट फॉर टैट दिखाई दे रहा है। नुपुर शर्मा को लेकर TMC का अग्रेशन था, उसके बदले अब महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी। जी आशीष, एकदम बिल्कुल आपने सही ठहरा है कि जिस कदर नुपुर शर्मा को लेके पश्चिम बंगाल में, या तो पूरा देश में एक बवाल मचा हुआ था, पश्चिम बंगाल में हर एक जगह पे देखा गया था आंदोलन हो रहा है, जस्ट टिट फॉर टैट उसका विपरीत यहाँ पे एक रिवर्स आप कह सकते हैं अटैक दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ से। महुआ मोइत्रा ने जैसे ही ये विवादित बयान दिए, उसके बाद ही बीजेपी के जो नेतृत्व है वो रस्ते में आ चुके हैं, FIR दर्ज हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ ये कहा कि बार बार ऐसा
हुआ है, महुआ मोहित्रा ने विवादित बयान दिया है, लेकिन यहाँ के जो हिंदू है जो हमें वोट दिए हैं जो कि 2 करोड़ के ऊपर है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा स्टेप ले रहे हैं, उसके बाद ही महुआ मोहित्रा ने अपना ट्विट अकाउंट से ये कहा कि हम जय माँ काली कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही की सरकार की वो हो राज्य सरकार, तो फिर क्या एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या पुलिस की तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन दिखाई दिया है? जी बिल्कुल, बस अभी तक FIR दर्ज हुआ है महुआ मोहित्रा के खिलाफ, अभी तक कोई एक्शन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन एक्शन जो हुआ है वो महुआ मोहित्रा और तृणमूल कांग्रेस के बीच हुआ है, वो मैं बता देता हूँ। महुआ मोहित्रा ने तृणमूल कांग्रेस का जितने भी ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर, सिर्फ ममता बनर्जी छोड़ के हर अकाउंट को उन्होंने अनफॉलो कर दिया है, क्योंकि पार्टी ने ये स्टैंड लिया था। महुआ मोहित्रा जो बात कह रही है उनके साथ पार्टी स्टैंड नहीं करते, और आप अगर उसका ट्विटर फॉलो करेंगे तो देखेंगे सिर्फ ममता बनर्जी छोड़ के बाकी सारे अकाउंट को उन्हें अनफॉलो कर दिया। लेकिन कानूनी कार्रवाई जो होता है FIR के सिवा और कुछ अभी तक हुआ नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी यह कह रहा है कि अगर यहां पे कानूनी कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि एक ही मामले में अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होता है तो महुआ मोहित्रा के खिलाफ भी होना चाहिए, केस लगभग सेम है, तो अगर नहीं होता है तो वो कोर्ट के रास्ता जाएंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आशीष, बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर दत्ता ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी का एक और पहलू देखिए इस खबर का, महुआ मोहित्रा के खिलाफ भोपाल में FIR दर्ज कर ली गई है। महुआ पर IPC की धारा 295A धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला, 295A के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। महुआ के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी महुआ के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मकरंद काले हमारे संवाददाता आपको इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मकरंद, FIR दर्ज कहां कहां हुई है और किसने किसने कराई है? देखिए, राजधानी भोपाल में तो क्राइम ब्रांच थाने में FIR दर्ज हुई है महुआ मोहित्रा के खिलाफ, और धारा 295A के तहत दर्ज हुई है। एक फरियादी है रामचंद्र, जिन्होंने खुद को काली भक्त बताते हुए आवेदन दिया था कि मां काली का अपमान किया है सीधे सीधे महुआ मोहित्रा ने, और इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, और इसी आधार पर, इसी शिकायत पर पुलिस ने क्राइम ब्रांच थाने में एक FIR दर्ज की है। दूसरी एक FIR जो डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज हुई है वो रतलाम में दर्ज हुई है। वहां पर भी एक स्थानीय जो व्यक्ति है उसने ये पोस्टर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला है इस तरह का एक आवेदन पुलिस को दिया था, जिसके आधार पर वहां पर भी लगभग सेम धाराओं में ही FIR दर्ज की गई है। इन दोनों FIR के पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि जिस तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काने के पूरे देश में आरोप लग रहे हैं, जाहिर है बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में राज्य सरकार इस बात को, या कहें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को निर्देशित कर चुके हैं कि किसी भी तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखना होगा पुलिस कब एक्शन लेती है, आप खबर नजर बनाए कर रखें क्या, हम आपके पास लेटेस्ट अपडेट के लिए आते रहेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है इसी खबर से जुड़ी हुई, विवाद बढ़ा तो TMC सांसद महुआ मोहित्रा ने सफाई दी है, झूठ बोलने से आप बेहतर हिंदू नहीं हो जाएंगे। ट्वीट देखिए उनका, मैंने किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया है, सुझाव है कि मां काली के तारापीठ में जाकर देखें कि भोग में क्या फूड और ड्रिंक चढ़ाया जाता है।